लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड पढ़ने के बाद अब नया रिड्यूसिंग एजेंट आ रहा डाइवल एच। पहले तो डाइवल एच का फुल फॉर्म क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है CH3CH3CH2। डाई का मतलब दो, एल्यूमिनियम और हाइड्राइड मीन्स एच लगा है इसमें, क्योंकि मेटल से जब एच लगा होता है तो एच निगेटिव होता है तो हाइड्राइड हो गया। एल्यूमिनियम की बैलेंसी तीन होती है तो ये तीन का मतलब दो ये जुड़ गए, एक एच मिला के पूरी बैलेंसी हो गई इसकी। तो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आइसो ब्यूटाइल को सॉल्ट में आई बी यू भी लिख देते, तो इसे आई बी यू का ट्वाइस लिख दिया, ए एल और एच। तो देख रहे हैं हम इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम के बैलेंस सेल में थ्री इलेक्ट्रॉन है, जब इनसे शेयरिंग भी कर लेगा तो दो दो चार दो छह, यानी तीन बॉन्ड का मतलब है छह इलेक्ट्रॉन, तो इस पर अभी भी दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस वजह से ये लुइस एसिड भी है। और इलेक्ट्रॉन की जिनमें कमी होती है वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। तो ध्यान रखना कि ये हमें एच माइनस ये भी दे सकता है, एच माइनस जनरेटर होता है, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट थे, जबकि ये डिफरेंस है डाइबल एच एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसमें हम तो लोग थोड़ा कह सकते हैं कि जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर ये होता था, तो इसमें हम देख रहे हैं कि Al के चार बॉन्ड है जिसपे एक Al पे निगेटिव है, निगेटिव का मतलब है ये तुरंत H दे देगा, और जब निगेटिव चार्ज होता उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये न्यूक्लियोफाइल कहलाते। जबकि डाई आइसो डाइबल एच में हम लोग देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम के तीन है, ये ट्वाइस था और ये एच है, तो दो दो चार दो छह छह इलेक्ट्रॉन है, अभी भी इस पर एक लोन पेयर की कमी है, और जिन पर कमी होती है इलेक्ट्रॉन की, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या ऐसी न्यूट्रल स्पीसीज जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो वो दोनों AlIAlH4 और NaBH4 एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट थे, जबकि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इस वजह से एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। डाइवल एच का मेन फंक्शन ये है कि डाइवल एच -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर वर्क करता है। -78 से अगर ज्यादा टेम्परेचर, जैसे हम का रूम टेम्परेचर ले लें या हाई टेम्परेचर ले लें, उस पर डाइवल एच की तरह बिहेव न करके AlIAlH4 की तरह बिहेव करने लगता, मतलब जो AlIAlH4 काम करता है वही बिल्कुल वैसा ही डाइवल एच करने लगेगा। तो डाइवल एच को डाइवल एच तब कह सकते जब टेम्परेचर इतना रखा जाए, यानी -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह वर्क करेगा। डाइवल एच जिन जिन सॉल्वेंट में सॉल्वेबल है, जैसे एन एक्सेन, ज़ाइलीन है, टोलुइन है, THF, इन सॉल्वेंट में ये वर्क करेगा। इसका भी एक एक्सपर्ट एरिया है, जिस पर वो कभी काम नहीं करेगा वो है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ईथर, इनसे कभी नहीं बोलता है, यानी ये भले ही फंक्शनल ग्रुप लगे रहे इन्हें रिड्यूस नहीं करेगा, तो इन पर कभी भी काम नहीं। जबकि AlIAlH4 जब कॉन्जुगेशन आ जाता था तो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता था, ये बिल्कुल नहीं करेगा। तो फिर काम क्या करता है डाइवल एच, डाइवल एच का एक्सपर्ट एरिया है डाइवल एच मेन फंक्शन। देखो NaBH4 ईस्टर पे काम नहीं करता था, साइनाइड पे काम नहीं करता था, ये खासकर ईस्टर और साइनाइड पे काम करता है। ये ईस्टर हो, साइनाइड हो, चाहे एसिड हैलाइड हो, चाहे एसिड हो, इन सबको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर कभी भी एल्डिहाइड बनाना हो, जैसे साइनाइड पे स्टीफन रिएक्शन में हम लोग एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते थे, तो अगर डाइबल एच है तो डाइबल एच मेन चीज क्या बना देता है, हमें एल्डिहाइड बना देता है, लगभग सारे फंक्शन ग्रुप को काय में कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में। तो ईस्टर और साइनाइड से अगर हमें डाइबल एच लगा है, टोलुइन की प्रेजेंस है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एल्डिहाइड, तो ईस्टर को भी एल्डिहाइड, साइनाइड को भी एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड को भी एल्डिहाइड और एसिड को भी एल्डिहाइड। मैन तुम्हें ईस्टर और साइनाइड जरूर याद रखना कि इन्हें वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अब मैन चीज है कि कैसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, तो थोड़ा मैकेनिज्म देखें इसकी। मैकेनिज्म में क्या है कि जैसे डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हमने ऐसे लिख दिया आई बी यू का होल्ड टॉय, जो जी एच है वही। एल्यूमिनियम के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। अब ये कोई भी सपोज ईस्टर एक जे हमने ले लिया, ईस्टर RC00R, तो ईस्टर के ऑक्सीजन पे लॉन पेयर रखे हैं, जबकि इस पर लॉन पेयर की कमी होती है क्योंकि बैलेंसी सेल में छह इलेक्ट्रॉन है, इसे तुरंत एक लॉन पेयर की, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अपना लॉन पेयर इसे दे देगा। जब ये अपना लॉन पेयर इसे दे देगा
तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस एएल पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब याद करो एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जब एएल पर नेगेटिव आ जाता था तो वो तुरंत एच माइनस देता था। अब जब इस पे नेगेटिव आ गया तो ये एच माइनस देगा। तो होता क्या है कि अब एच माइनस, अब जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आता है तो ये क्या करता है, कार्बन से अपने ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जबकि इस पे आ गया पॉजिटिव, तो ये क्या करता है कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इस पे अब ये देखो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर से ये एच नेगेटिव इस सी से जुड़ के बना लेगा सी एच। एच निगेटिव, यहां से एच माइनस आया तभी ये एच माइनस जनरेटर होता है, ये एच माइनस इस सी पे आया तो ये बन गया सी एच। और अब ये देखो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव न्यूट्रलाइज और एल का निगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब उसके बाद करेंगे हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोल, अब देखो जब ये एच निकल गया और ये एच आके इस कार्बन पर जुड़ गया, अब Al फिर जैसे ही कितना सब हो गया, मतलब सिक्स इलेक्ट्रॉन फिर हो गए, दो ये लगे तीसरा ये, फिर इसके पास p वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, p ये हमने ऐसे बना दिया, ये p का फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। तो अब ये बाटर के ऑक्सीजन से लोन पेयर, बाटर के ऑक्सीजन पे जो है लोन पेयर रखे, अब ये फिर उससे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाएंगे, तो जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो एल पर फिर निगेटिव आएगा, एल पर फिर जब निगेटिव आएगा तो ये फिर से न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये लीविंग ग्रुप ओ आर ग्रुप इसका निकल जाएगा। और इधर जब जैसे ही ओ आर निकला निगेटिव तो इस पे आएगा पॉजिटिव, ये बॉन्ड तोड़ देंगे तो इधर आएगा निगेटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये एच, तो ये एल्डिहाइड ऐसे बन जाता है। तो मेन चीज है हमें इस डाइवल एच ने हमें क्या प्रोवाइड कर दिया, ये एच। पर हाइड्रोलिसिस से मीडियम से हमने इसे पूरा बैलेंस करने के बाद एल्डिहाइड बन गया। तो मेन इसकी लिमिट एल्डिहाइड तक है। तो कितना अच्छा डाइवल एच का फंक्शन है कि एल्डिहाइड के आगे एल्कोहल नहीं बनाता, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्कोहल तक बना लेते थे, यही ईस्टर को 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, जबकि इसकी लिमिट एल्डिहाइड तक है। अब मेन चीज हम लोग देखेंगे इसके फंक्शन को, देखो कैसे रिएक्शन ये करता है। सपोज हमें CH3CH डबल बॉन्ड CH2 साइनाइड है, डायवल एच हाइड्रोलिसिस करके -78 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर नहीं भी लिखा हो तब भी हम उसे लोअर टेम्परेचर यानी 78 मानकर ही रिएक्शन करेंगे, जो फंक्शन है वो ही करते, तो CN की जगह पे CHO कर देंगे, बाकी डबल बॉन्ड से इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये ईस्टर है COOO ईस्टर है, अगर हम NaBH4 लगा दें तो ईस्टर को इफेक्ट नहीं करेगा, जबकि डायबल एच लगा दें तो ये देखो बस जहां ईस्टर ग्रुप लगा है यहीं से बॉन्ड तोड़ दो, ये CO के साथ बगल में H लगा दो यहीं से, तो इतने कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा और ये C2H5OH ये साइड प्रोडक्ट में निकल जाएगा। तो जहां पे एल्डिहाइड ग्रुप है वहीं से उतने कार्बन का एल्डिहाइड बना देंगे, यहां से ईस्टर ग्रुप है तो यहीं से इतने कार्बन का एल्डिहाइड। सपोज ये कंपाउंड है तो यहां देखो ईथर को भी इफेक्टेड नहीं करता, यहां लगा साइनाइड, तो जब इस पर डायवल एच लगाएंगे तो साइनाइड से बोलेगा केवल, तो साइनाइड को CN को बदल देगा CHO में, बाकी जो कहते लिख देंगे। ऐसे डायलाइट COCl को भी CHO बदल देता है। तो मेन चीज है कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाओ जिसे ये इफेक्टेड करता है उसे, जैसे साइनाइड को एल्डिहाइड में, ईस्टर को एल्डिहाइड में, साइनाइड को एल्डिहाइड में, COCl को एल्डिहाइड, उसी से बोलेगा। अब टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, क्यों 78 है, क्योंकि इस मैकेनिज्म में देखा होगा इसका इंटरमीडिएट बनता है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही स्टेबल होता है। अगर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, तब प्रोडक्ट का देखो इसमें क्या है कि जैसे साइनाइड पर एल्डिहाइड लगाते, अच्छा कितने इक्विवेलेंट है इसका भी यूज करने के, कितने डायवल एच, कितने मोल डायवल एच की यूनिट लें, तब जाके ये यही प्रोडक्ट आएगा। अगर कम ज्यादा यूनिट कर देते हैं तब भी प्रोडक्ट बदल जाएगा। जैसे साइनाइड पर अगर हमने 1 यूनिट डायवल एच लगाया और -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो एल्डिहाइड ही बनेगा। ईस्टर पर भी अगर 1 मोल डायवल एच लगाया 78 डिग्री सेंटीग्रेड या लोअर टेम्परेचर पर, 70 डिग्री सेंटीग्रेड भी कर देते कभी कभी, तब भी एल्डिहाइड बनेगा। ऐसे डायलाइट पर 1 मोल लगाया इतने ही टेम्परेचर पर, तब भी एल्डिहाइड बनेगा। एसिड पर ध्यान रखना, अगर एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो डायवल एच के 2 इक्विवेलेंट यूज होते हैं, यानी 2 यूनिट डायवल एच की, तब इतने ही टेम्परेचर पर, तब एल्डिहाइड बनता है। अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा दें तो डायवल एच पर डायवल एच की तरह बिहेव ना करके ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह, जैसे साइनाइड पे अगर 2 इक्विवेलेंट डायवल एच लगा दे हाई टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे, तो ये 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। ईस्टर पे अगर हम लगा देते हैं, ईस्टर पे देखना LiLH4 से 1 डिग्री एल्कोहल बनता था,
तो इसमें थ्री इक्विवेलेंट यूज करते हैं हाई टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे। एसिड पे अगर हमने थ्री इक्विवेलेंट डायवल एच लगा दिया हाई टेम्परेचर पे तो ये वन डिग्री एल्कोहल बना लेगा। एल्डिहाइड से भी वन डिग्री एल्कोहल अगर वन मोल हाई टेम्परेचर ले लिया। कीटोन से RCOOR से सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा RCHOH अगर हम वन इक्विवेलेंट इसका यूज करते हाई टेम्परेचर। तो मैंने जी देखा कि अगर हाई टेम्परेचर है तो फिर ये साइनाइड ईस्टर जो एल्डिहाइड बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और ये अलग वन डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट, तो एल्कोहल तक जाने लगेगा। ये था डायवल एच का फंक्शन। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसमें लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।